नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कार्स के ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम लोग बलेनो 2022 की पहली एक्सीडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बलेनो 2022 एक मंथ पहले ही लॉन्च हुई है हमारी इंडिया में और डिलीवरी से पहले ही इसका एक एक्सीडेंट आ गया है सामने। वैसे तो इसका लॉन्च होने के बाद ही 25,000 बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी एंड होने भी चाहिए क्योंकि अब ये वाला बलेनो काफ़ी फीचर लोडेड कर है एंड सब कुछ काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। लेकिन अभी भी एक डाउट है वो कि इसकी सेफ्टी के बारे में क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी किया गया है कंपेयर टू प्रीवियस बलेनो। अगर हम लोग ओनली सेफ्टी फीचर्स देखें तब तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले, फिर 6 एयरबैग और भी जो सेफ्टी फीचर्स कुछ अच्छे अच्छे दिए हैं। लेकिन जब बिल्ड क्वालिटी की बात आती है तब तो ये पुरानी वाली बलेनो की हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। अब कुछ लोग बोलोगे कि इसका वेट तो 50 से 70 kg तक इंक्रीज हो गया है, लेकिन मैं बता दूँ कि पहली बात तो 70 kg वेट ग्रॉस वेट इंक्रीज हुआ है, ना कि कर्व वेट। और इसी के साथ साथ जो वेट है वो बस बिल्ड क्वालिटी की वजह से नहीं, उसके साथ साथ फीचर्स के लिए भी इंक्रीज होता है। तो बात करते हैं एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट आसाम की गुवाहाटी में हुआ है। एज पर रिपोर्ट बलेनो को डिलीवर किया जा रहा था एंड जिसके लिए शोरूम के बाहर यह इसको पार्क किया गया था ताकि उनके रेस्पेक्टेड ओनर्स को डिलीवर किया जाए। लेकिन डिलीवर होने से पहले ही ये एक एक्सीडेंट फेस कर लिया। टाटा की 407 एम्बुलेंस ने पीछे से आके बलेनो को ठोका, जिसके बाद बलेनो सामने जाकर और एक कुछ चीज़ से जाकर लट गई, जिस वजह से इसका फ्रंट भी डैमेज हो गया। एंड फ्रंट की डैमेजेस की अगर बात करें तो या बोनेट आप देख सकते हो कितने बुरी तरह डैमेज हो गई है और इसी के साथ साथ बम्पर पर भी डैमेज आया। और रियर की बात करें तो रियर पर अब डैमेज देख सकते हो, बम्पर, बूट, टेलगेट, फिर विंडशील्ड भी टूट गई है। लकीली इस इंसिडेंट में किसी को भी चोटें नहीं आई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस एक्सीडेंट से बलेनो 2022 का पूरी तरीके से बिल्ड क्वालिटी का जज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस एक्सीडेंट में जो एम्बुलेंस थी उसका इमेजेस नहीं है एंड जो एग्जैक्ट स्पीड थी वो भी नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि एक्सीडेंट हाई स्पीड में हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है बलेनो 2022 के बारे में, मतलब सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए एंड मिल जाए आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।